नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। वक्त हो गया है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन 25 दिसंबर को 3 दिन के दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी अजय माकन कोटा संभाग के 4 जिलों का दौरा करेंगे। आपको बता दें, कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी जिलों के कांग्रेस नेताओं से सरकार और संगठन के जमीनी हालात पर फीडबैक तथा सुझाव अजय माकन लेंगे। साथ ही में पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा भी फीडबैक कार्यक्रम में रहेंगे। साथ ही में आपको बता दें, फीडबैक कार्यक्रम के लिए हर जिले से करीब 50-50 नेताओं को बुलाया गया है। कोटा संभाग के फीडबैक कार्यक्रम में पंचायत राज चुनाव में कई जगह कमजोर प्रदर्शन का भी मुद्दा उठ सकता है। कमजोर प्रदर्शन पर भी नेताओं से कारण भी पूछा जा सकता है। अजय माकन के सामने गहलोत और पायलट गुटों को संतुष्ट करना सबसे बड़ा चुनौती भरा कार्य रहेगा। दरअसल गहलोत और पायलट गुट इन सियासी नियुक्तियों में एक बड़ा हिस्सा अपने अपने खेमे के करीबियों को दिलाना चाहते हैं। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर आपको दे दे, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान को लगभग 8,500 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है। गुरुवार को नितिन गडकरी ने 11 परियोजनाओं का शिलान्यास और 7 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया है। यानी कि राजस्थान में 18 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसके साथ ही कुल 1127 किलोमीटर सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले 2 साल में टोल नाके खत्म करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें गाड़ियों में GPS लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है और राजस्थान वासियों की ओर से नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे, राजस्थान में अलवर जिले के बहरोड के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव और भाजपा नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर यशवंत यादव के बीच पिछले 3 दिनों से चल रही जुबानी जंग बृहस्पतिवार को खुलकर सामने आ गई है। विधायक बलजीत यादव अपने समर्थकों के साथ हाथों में लाठियां लेकर बहरोड स्टेडियम में पहुंच गए और जसवंत यादव को सामने आने की चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा है कि जसवंत यादव ने चेतावनी दी थी कि विधायक शपथ पत्र लेकर आ जाए ताकि आपसी लड़ाई में कोई मर भी जाए तो हत्या का मुकदमा नहीं लगाया जाए, इसीलिए मैं शपथ पत्र भी लेकर आया हूं। बलजीत यादव ने कहा है कि मैं तो लाठी लेकर पहुंच गया, लेकिन जसवंत यादव डर से गायब हो गए। एक और बड़ी खबर आपको दे दे, किसान आंदोलन के समर्थन में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मोजमाबाद पहुंचे हैं। मोजमाबाद में किसानों को बेनीवाल ने संबोधित किया और किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच का ऐलान किया है। साथ में वसुंधरा राजे पर एक बार फिर हनुमान बेनीवाल ने बड़ा निशाना साधा है और कहा है कि 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दे, राजस्थान आने वाले यात्रियों को एक और सुविधा मिली है। इंदौर और जोधपुर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन एक बार फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह स्पेशल ट्रेन 30 दिसंबर को इंदौर से चलेगी, जबकि यह ट्रेन जोधपुर से एक दिन पहले 29 दिसंबर को इंदौर जाएगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा और JEE भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर बेरोजगार युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा शहीद स्मारक पर जुटे और इन दोनों परीक्षाओं को रद्द किए जाने की मांग की है। युवाओं का कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से करवाई जा रही भर्ती परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बोर्ड आनन फानन में परीक्षा का आयोजन करवा रहा है, पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो यही थी राजस्थान की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।